नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बिछड़ा हुआ प्यार फिर से जुड़ जाएगा, अब आप खुशी से नाचने लगे होंगे। दोस्तों आज हम आपको आपकी राशि के बारे में बताएंगे कि आपका बिछड़ा हुआ प्यार फिर से किस तरह मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताएंगे, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। है दोस्तों, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यार से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों आपकी लव लाइफ भी रोचक समय चल रहा है, इसका मजा जरूर उठाएं। जिन्होंने अभी किसी के साथ अपने संबंध की शुरुआत की है उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों कोडोट ही एक साथ बहुत ही अच्छे से लेकर चल रही हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच खुले रखें, लेकिन अभी कोई योजना निश्चित न करें, केवल समय के साथ चलते जाएं। सहकर्मियों और वरिष्ठों की पूरी सहयोग के चलते दफ्तर में काम तेज रफ्तार पकड़ लेगा। घर में अधिकतर समय आप सो कर गुजार सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका प्रिय आपका इंतजार कर रहा है तो दोस्तों उनकी इंतजार को बेकार न जाने दे, क्योंकि उनका बुलावा आया है और वह आपके साथ भी में जाने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों जल्दी से आप रेडी हो जाइए और अपनी डेट के लिए निकल जाइए और आप अपनी पार्टनर के साथ एक खुशनुमा यादें ही एक खुशनुमा पल स्पेन कीजिए, एंजॉय कीजिए। अपनी दिल की सारी बातें अपने पार्टनर से शेयर कीजिए, कुछ अपने बारे में कुछ उनके बारे में बात करें, जिससे आप दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाओगे और यह एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। अभी यात्रा की योजना में देरी हो सकती है, इसलिए तैयार रहें। परिवार के मामलों के कारण आपके और आपके साथी के निर्धारित कार्य रद्द हो सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखकर दूसरों को समर्थन दें। परिवार अभी आपकी प्राथमिकता है। अपनी या अपने पार्टनर के पिता समान व्यक्ति का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। किसी शो में जाकर या भोजन का आनंद लेकर रोमांस का मजा लें। आपके प्यार का थोड़ा सा हिस्सा आपको तारीफों का हकदार बनाएगा। अपनी नई योजनाओं के बारे में अपने साथी से ईमानदारी और खुलकर बात करें। आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोके हुए है और आपकी तरक्की की राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचाना चाहते हैं, तो इन मुद्दों को सुलझा लें। अपने रिश्तों की महत्ता समझने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देखकर ही निर्धारित करें। अभी यात्रा की योजना में देरी हो सकती है, इसलिए तैयार रहें। परिवहन के मामलों के कारण आपके और आपके साथी के निर्धारित कार्य रद्द हो सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखकर दूसरों को समर्थन दें। परिवार अभी आपकी प्राथमिकता है। अपनी या अपने पार्टनर के पिता समान व्यक्ति का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। किसी शो में जाकर या भोजन का आनंद लेकर रोमांस का मजा लें। आपके प्यार का थोड़ा सा हिस्सा आपको तारीफों का हकदार बनाएगा। अपनी नई योजनाओं के बारे में अपने साथी से ईमानदारी और खुलकर बात करें। वहाँ जाएं जहाँ आपका दिल लेकर जाता है और आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए यह समय सबसे अच्छा और भावुक है। यह समय आपके उन बेचारों का पालन करने के लिए भी अच्छा है, जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। डेटिंग अभी आपको दूसरे ही लोग भी ले जाएंगे। आपका प्यार भरा रवैया और बच्चों जैसा व्यवहार फायदेमंद होने वाला है। दुनिया आपकी उंगलियों पर है। याद रखें, आप अपनी द्वारा बनाई गई दुनिया में रहते हैं और उसी प्यार को प्राप्त करते हैं जिसे शेयर करते हैं। प्रिय उत्सुकता से आपका इंतजार करेगा। आप अपने प्रिय की गोद में खुशनुमा और सलामत महसूस कर सकते हैं। आपकी बचकानी हरकतों से खुश होकर प्रिय आपको गले लगाकर चुन सकता है।
खुशी मनाई शाम का सबसे अच्छा आनंद ले और आनंद ले। आपका मधुर स्वभाव आपके दिलरुबा के मन में प्यार भरी उमंगे पैदा करेगा, आपको अपनी तरीके से धन्यवाद अदा करेगा। आप इंद्रिय सुख सुख से आसक्त रहेंगे और स्वीट हार्ट की झोली में भरसक खुशी डालने की कोशिश करेंगे। अपनी लैला को समझने रिश्ते को भी मजबूती मिलेगी। आप आज अपनी सांस को एकत्रित कर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताएंगे कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आपकी क्या भावना है। आप इन सभी अवसरों का लाभ उठाएं जो आज आपके रास्ते में आए। आज के दिन आप प्रवाह के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। ग्रहों की विषम स्थितियों के कारण आपको अन्य चीजों के बारे में परवाह नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप हमारे मोबाइल और भी बढ़ा देंगे, जिससे हम आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां ऐसे ही हर रोज लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी का काम शैतान का, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो आपको कोई लाभ भी नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। तो दोस्तों, चलिए आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों अभी कर लो, आप अपने प्यार की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपनी भाव भंगिमा के द्वारा उसमें एक नई जान फूंक देंगे। अगर आप एकल हैं, तो आप एक संभावित साथी को ढूंढने के लिए सामाजिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। आपके प्रयास सराहनीय होंगे और आपकी प्रेम से भरी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ आएगा। आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए यह दिन अच्छा है जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो। हालांकि जो लोग बीमार हैं, वो लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रहा था। किसी नई योजना या शुरुआत के लिए अपने विश्वसनीय सलाहकार की राय लेने के लिए समय निकालें। अपनी ताकत और सीमाओं का आकलन करें और सोच समझकर धन खर्च करें। अपनी इच्छाओं और अपने फायदे के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए काम करें। आपकी बाहरी दिखावे में बदलाव आपको नए रास्ते खोजने और व्यावसायिक महत्वाकांक्षा के बारे में विचार करने में मदद करेंगे। पारिवारिक मामलों के कारण यात्रा की योजनाओं में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते व्यवसाय से संबंधित तनाव को कम करने के लिए कला और सुखों का सहारा लें। इस सप्ताह आप सामाजिक महसूस कर रहे हैं और यह समय पारस्परिक कौशल को प्रयोग करने का है। शांत रहें और अपनी समस्याओं और जरूरतों के बारे में अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत स्पष्ट और संक्षेप में बात करें। इस सामाजिक जागरूकता का उपयोग करें और अधिक लोगों को जानने के लिए और अधिक अवसरों को खोजें। आप महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय भी ले सकते हैं। इस समय का लाभ उठाएं जहां आप लोगों से मिलने जुलने में अधिक रुचि रखते हैं। याद रखें, कम से कम प्रयास के साथ चीजें आपके पक्ष में जा सकती हैं। आपको मिलने वाले वित्तीय अवसरों का अपने तरीके से फायदा उठाना चाहिए।
लेकिन सही मौके का चयन किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप धन के मामलों को लेकर व्यग्र रहेंगे। आज आप कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को एक बाजीगर की भांति संभालने में लगे होंगे। आप आउटपुट को गति देने के लिए तकनीकी साधनों पर निर्भर रहेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स या सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया के तरीकों की मदद से आप सबसे अच्छी स्थिति बना सकेंगे। आप निर्णय लेंगे और तकनीकों को लागू करेंगे जो एक सकारात्मक आउटपुट देने में सक्षम है। बहुत ज्यादा चिंता करना मानसिक शांति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचें, क्योंकि जरा सी चिंता और मानसिक तनाव भी शरीर पर खराब असर डालते हैं। अनचाहे कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है, जिसके आने से आपको घर के उन सामानों पर भी खर्चा करना पड़ सकता है जिनको आपने अगले महीने पर ताला भुआ था। जीवन साथी और बच्चों से अतिरिक्त स्नेह और सहयोग मिलेगा। आपके प्रिय का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। खाली समय में आप कोई खेल आज के दिन खेल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी तरह की दुर्घटना होने की भी संभावना है, इसलिए संभल कर रहें। आपका जीवन साथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है। बिना अपने करीबी लोगों को बताएं, किसी ऐसी जगह निवेश न करें जिसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते। गतिविधियों में व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर भी काम चलता रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी के मामले में फैसले लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें। पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अनुकूल माहौल बना रहेगा। रिलेशनशिप संबंधी चिंता दूर करने की कोशिश करें। घरेलू मामलों में परेशानी हो सकती है। दूसरों के हित के लिए किया गया काम दिक्कत बढ़ा सकता है। मिलने में बदलाव करना पड़ सकता है। दिन के अंत में राहत मिलेगी और परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। है इसे भाग्य का अच्छा होना कह सकते हैं या इसे नियति का विधान कह सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि आपको अपना जीवन बदलना है। आपके जीवन में परेशानी है, चाहे वह परेशानी किसी भी प्रकार की हो, फिर चाहे वह पैसे रुपए की तंगी हो, मानसिक पीड़ा हो, चिंता हो, तनाव हो, या फिर घर में क्लेश है, रिश्ते नातों में परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कहीं ना कहीं यह आपका बिगड़ा हुआ ऊर्जाओं का स्तर है, संतुलन है, तो अभी से आपको ठीक करना है और यह आपकी जिम्मेदारी है। तो कोई और यह आपके लिए नहीं कर सकता है, यह बेहद ही व्यक्तिगत मामला है। तो अब आप यह कैसे करेंगे, बस इसी विषय पर हम प्रकाश डालने जा रही है। ध्यान से समझिए, हम अपने जीवन में कुछ न कुछ चीजें लाती रहती हैं और कुछ चीजें हटाते रहते हैं। कभी हम गाड़ी ले आते हैं, कभी हम मोबाइल खरीद लाते हैं, कभी हम अलग अलग प्रकार के कपड़े जूते अपने लिए लेकर आते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीजों से एक खास प्रकार की ऊर्जा निकल रही होती है और यह ऊर्जा हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती है। इस वजह से हमें इसी चीज से अच्छा और किसी चीज से बुरा महसूस होता है। तो अब आप समझिए कि जब साधारण सी चीजों में ऊर्जा होती है कि वे आपको अच्छा या बुरा महसूस करवा सकती है, तो यदि डिब्बे चीजों की बात की जाए, जैसे रुद्राक्ष है, यंत्र है, या फिर तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी अंदर तो बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। तो उसका तो आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव रहेगा। तो बस इसी बीच इस और गहरे विषय को आज हम आपको स्पष्ट तौर पर समझाने जा रही है। यहीं पर हम आपको आपके ही जीवन में कुछ ऐसी डिसीज गलतियां हैं जो आप लगातार कर रही हैं, इनके बारे में भी हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में इसे छोड़कर जाना नहीं दोस्त, अन्यथा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपके घर में दो ऐसे स्थान हैं
जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ये दोनों ही स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण है वास्तु शास्त्र के अनुसार और लाल किताब के अनुसार इन दोनों स्थानों का बहुत महत्व है। अब ध्यान से समझिए, आपके घर में जो ईशान कोण है यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कोण, इसे हम ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में आपको एक वस्तु रखनी है और उसे एक वस्तु से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकली जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डालेगी। अब हम आपको उसे एक वस्तु के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बता दें, क्योंकि दोस्तों आपने यदि इन सावधानियों को नहीं बरता यानी लापरवाही की तो इस एक वस्तु से कोई भी विशेष लाभ आप नली नहीं पाएंगे। कोटा अक्सर यही है कि कई बार हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय अपनी वीडियो में बताते हैं, फिर भी लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने उपाय कर लिया फिर भी हमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जब उनसे और गहराई से बातें की जाती है तो पता चलता है कि उपाय तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां भी हैं जिन्हें भी लगातार दोहराते चली जा रही हैं। तो उस उपाय का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब उनकी गलतियों को सुधार दिया गया तो उनको उस उपाय से लाभ भी प्राप्त हुआ और जिस विशेष कार्य के लिए उस उपाय को किया गया था वह भी फलित हो गया। जैसे कुछ कर्ज के लिए होती है, कर्जा समाप्ति के लिए, कुछ लड़ाई झगड़े से मुक्ति के लिए होते हैं, विवादों से मुक्ति के लिए होती है, तो अलग अलग प्रकार के उपाय होती है। तो अब इसे एक वस्तु से जुड़े हुए सावधानियों के बारे में पहले आपको हम बता दें, आपके घर का ईशान कोण है उसमें दो बातें कभी नहीं होनी चाहिए। पहली कि वहां अंधेरा अभी नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वह कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब गंदगी से हमारा मतलब है कि लोग वहां डस्टबिन रख देते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं या किसी अन्य प्रकार की टूटी फूटी चीजें रख देते हैं। उनका कोई कमरा है जो ईशान कोण में पड़ रहा है तो वहाँ उन्होंने रोशनी की ही व्यवस्था ही नहीं करवा रखी है, बल्ब ही ठीक से नहीं लगाए हैं, या फिर वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो ऐसी चीजें यदि आपके घर के ईशान कोण में हैं, यानी कि नकारात्मक चीजें हैं, तो आप इस उपाय को कर भी लेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ होगा नहीं। कारण यह है कि ऊर्जाओं का संतुलन तो सही होगा या नहीं, और जब संतुलन बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई अवसर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो ईशान कोण है पहले तो ठीक से उस ईशान कोण का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे, यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वह दिशा है, सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे इशारा करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो वह पूर्व दिशा निकलती ही नहीं है, यानी कि कुछ अंश कुछ डिग्री का अंतर रहता है। इसके लिए आपको सूर्योदय के समय जागकर देखना होगा, अपने घर की छत पर जाकर किशोरी किस दिशा में निकल रहा है, ठीक उसी दिशा में आपको अपने घर की छत पर खड़े हो जाना है, यानी छत के बीचों बीच सूर्य निकलने की दिशा में अब वह पूर्व दिशा है और आपकी पीठ पर पश्चिम दिशा है, बाएं हाथ पर उत्तर और दाएं हाथ पर 10-36 है। अब आपको अपने घर के कोने मार्क कर देने हैं, यानी चिन्हित कर देना है कि इस कोने में यह दिशा है, उस कोने में वह दिशा है। दोस्तों आप समझ रहे हैं, यदि आप दिशाओं का और कोणों का यूनिकोड का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो फिर उपाय विफल हो जाएगा, क्योंकि हर कोने की अपनी एक अलग क्या है, हर कोने में अलग शक्ति का वास होता है। जैसे ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनि देव का वास होता है, इसी प्रकार उत्तर दिशा में को वीर का वास होता है। तो हर दिशा और हर कोण का अपना अलग महत्व है। तो आपने यदि गलती से उपाय की कोई वस्तु इस होने के बजाय उस कोने में रख दी तो उसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने घर की छत पर जाएं, सूर्योदय के समय देखें कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है। इससे आप भली भांति पता चल जाएगा कि बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे हैं कि वह पीछे बने होती
है, यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पर रही होती है, और उन लोगों को असल में इस बात की गलतफहमी रहती है कि सामने पूर्व दिशा है, लेकिन पूर्व दिशा असल में थोड़ी सी कोने में होती है, तिरछी होती है। तो यह सब आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब आपने अपने घर में ईशान कोण का पता लगा लिया है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच के हिस्से को ईशान कोण कहेंगे। भगवान भोलेनाथ का यह वास होता है, बेहद पवित्र स्थान है यह है। इस स्थान को पहले आपको साफ सुथरा करना है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए, सुगंधित पुष्प ऐसे स्थान पर आप है यदि नहीं लगा सकते तो केवल मनी प्लांट ही लगाइए, क्योंकि अगर आपके घर में कमरा बना हुआ है ऐसे स्थान पर तो आप वहां पर फूल पौधे नहीं लगा पाएंगे, तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, वह कमरे के अंदर भी फलित हो जाता है, यानी कि खूब फलता फूलता है। तो आप मनी प्लांट लगाइए, यानी हरे भरे पौधे लगाना अनिवार्य है। और इस स्कोर पर आपको शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल होता है, और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य ही आते हैं, यह उनका समय होता है। तो ऐसे में यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाए गए तो आप समझ में कि भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे। जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। तो यह क्रिया आपको करनी है। अब बात करती है उस चीज के बारे में जिससे हमने यह वीडियो शुरू किया था, यानी कि वह खास चीज कौन सी है। तो ध्यान से सुनिए, आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है और फिर नित्य सुबह आय को ज्यों का त्यों बने रहना है, यानी एक बार करना है फिर इसे ज्यों का त्यों आप वहीं ऐसा ही छोड़ दे। तो ध्यान से सुनिए, आपको एक तांबे का लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा लेना है, साफ सुथरा स्वच्छ होता लेना है, और उस लोटे में आपको पीली सरसों पूरी भरती नहीं है, ऊपर तक पूरी हुई पीली सरसों आपको भर देनी है, और इस लोटे को आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है, जहां दोस्तों अब आप शाम के समय जो दीपक जलाएंगे उस दीपक को आप इस लोटे के ऊपर ही रखकर जलाएंगे। अब आप लोटे के ऊपर कोई ढक्कन बगैर नहीं रखेंगे दोस्तों, इसे जो बात आपके मन में कई दिन से है उसे सामने आने दे। हालांकि आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित है, पर आज आप अपने काम में बेचैनी महसूस कर सकते हैं, किसी चीज को लेकर आप में असंतोष की भावना आज आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अभी अपनी नौकरी छोड़ दाहिने का कदम बेवकूफी भरा होगा, यह क्षणिक भावनाएं हैं जिससे आप गुमराह हो सकते हैं, इसलिए आज किसी भी प्रमुख कैरियर निर्णय लेने से बचे, मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाया। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा। आपकी लोगों को हंसाने की क्षमता और खुशमिजाज स्वभाव बड़ी पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है। आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधी मसले बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कार्यक्रम निश्चित करने दें। आपके पास अपने सभी मनपसंद व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे, लेकिन आप अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहे, नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को खुशखबरी न्योता शिवरात्रि से पहले आपको देने वाले हैं। आज तक दुनिया में ऐसा बड़ा चमत्कार नहीं हुआ होगा जो शिवरात्रि के दो दिन पहले ही आपकी राशि में बहुत बड़ी चमत्कार आने वाली है, जिसे देखकर आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में आपकी राशि में इतनी बड़ी परिवर्तन कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि मजाक बिल्कुल भी मत समझना, अकेले में हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम बालाजी का सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप की राशि का चमकने का वक्त आ चुका है, क्योंकि शिवरात्रि में आपकी राशि में सात बड़े धन लाभ होने वाला है। दोस्तों आज शाम 7 बजे से ही आपकी राशि में बहुत बड़ी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों 7 बड़ी खुशखबरी, यानी कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है।
धन दौलत बैंक बैलेंस करोड़ का संपत्ति आपके हाथ लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाली महाशिवरात्रि में आपकी राशि में भयंकर बदलाव आने वाली है, क्योंकि स्वयं भगवान देवों के देव महादेव शिव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में खुशियों के ढेर लगा देने वाली है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने का वक्त अब आ चुका है, जो आज तक आपने कभी इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं देखी होगी। जो आपको मिलने वाली है दोस्तों, इस महाशिवरात्रि को अपने लिए खास बनाने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़कर 3 बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव का नाम अवश्य लिखें। उनके बाद आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों भगवान के घर देर होते हैं लेकिन अंधेर नहीं। भगवान आप सभी के राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि भगवान आप सभी के जीवन काल की समस्याओं का समाधान से लेकर एक एक जीवन से जुड़ी हर बेहद दुख तथा कष्ट का निवारण करने वाला है। आपको इस महाशिवरात्रि में 7 बड़े ऐसे परिवर्तन बदला मिलेंगे, जिसे देखकर आप भी अत्यंत खुश हो जाओगे, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि भगवान भी गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं, इसलिए आप उसे अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। समय आप सभी के पास बहुत ही काम बचा है, क्योंकि पूरे 50 वर्षों का सपना आपका सरकार होने का वक्त आ चुका है। आज तक कोई इतनी बड़ी खुशखबरी की अंदाजा भी नहीं लग सका है, जो आपको यह महाशिवरात्रि के अंतर्गत मिलने वाला है दोस्तों। आज शाम से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ आपको धन संपत्ति करोड़ों का ज्यादा हाथ लगने वाली है। यह संपत्ति आपको स्वयं भगवान माँ देव जी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस महाशिवरात्रि आपके लिए इतनी ज्यादा खास रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप इस पल को, इस समय को व्यर्थ मत जाने दें, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। यहीं से आपकी राशि में भयंकर परिवर्तन के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलेगी, यह मेरा गारंटी है। मैं बालाजी बागेश्वर धाम का कसम खाकर कहता हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में न परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ। आप सभी को इस महाशिवरात्रि में कर्मकांड धन लाभ होने वाला है दोस्तों। करोड़ के धन लाभ के साथ साथ ग्रह गोचर करने पर पता चलती है कि धन निष्ठा आप सभी को मिलने वाला है, अर्थात धड़ों का भंडार आप सभी के घर में होने वाला है, जिसके लिए आप दिन और रात कड़ी से कड़ी परिश्रम करते थे, अब वह आपके बिना परिश्रम का फल मिलेगा, क्योंकि जिसको पाने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वासुदेव खुद आपके पास चलकर आने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि के आने से 2 दिन पहले से ही आपकी राशि में एक बड़ा भूचाल तूफान खुशखबरी आप सभी को मिलने वाला है। आज शाम से ही आपकी राशि का भाग्य परिवर्तन हो चुका है, राशि में आपका बहुत बड़ा चमत्कार आने वाला है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी जो आप सभी को खुशखबरी मिलने वाली है, आपकी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सभी को हाथ लगने वाला है। पॉजिटिव आज का दिन पारिवारिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनुकूल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दे, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।